सभी को नमस्कार। आप लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी में जी जान से लगे होंगे और इस भागदौड़ में कई बार हम कई जरूरी चीज़ें भूल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ जरूरी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के जो मेन पॉइंट्स हैं वो रहेंगे बायोडाटा फॉर्मेट, बायोडाटा फिलिंग, इंटरव्यू लेटर और KVS में अगर आप कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल काम किया है तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। अगर आपकी स्टडी में कोई गैप रहा है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी जैसे कोई सर्टिफिकेट है उसमें पेरेंट्स की स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में और आपके खुद के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। और आप जब KVS इंटरव्यू पर जाएंगे तो आपसे पूछते हैं कि आपको अगर कहीं पर भी पोस्टिंग मिल जाती है तो आपको उसकी एक विलिंग देनी होती है, उसका आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है विलिंग की, उसके बारे में बात करेंगे। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट क्या होगा उसकी बात करेंगे। डेमो टॉपिक और लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे, ICT मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जब आप इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा तो रिटर्न टिकट आपकी होगी उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं बायोडाटा फॉर्मेट से और फिलिंग से। तो देखिए, बायोडाटा का फॉर्मेट आपको बनवाना नहीं है, KVS की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। और ये कहाँ से मिलेगा बायोडाटा आपको, तो KVS की वेबसाइट पे जब जाओगे तो रिक्रूटमेंट का जो कॉलम है वहाँ पे इंटरव्यू करके कोई कॉलम मिलेगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे इसको। फिर बायोडाटा फॉर्मेट जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो बायोडाटा को आपको बहुत ही केयरफुली भरना है। जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, जितने भी आपके एक्सपीरियंसिस हैं वो भर लेना है। एक्सपीरियंस का जो कॉलम है बायोडाटा में वो गवर्नमेंट सर्विस वाला दे रखा है, उसमें रिप्रेजेंट कर रखा है कि इस पे स्केल के ऊपर आपने कितने दिन काम किया, एक स्पेसिफिक पे स्केल पे आपने कितने दिन काम किया। अगर आपके पास किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है तो उस कॉलम में आप ना भरें, उसके लिए आपको अलग से पेपर उसके साथ लगा दें। और अगर आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस है KVS का तो वो भी उस कॉलम में ना भरें, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए ही है केवल। दूसरी बात, बायोडाटा में वहाँ पे लास्ट में एक लाइन आती है योर सुटेबिलिटी फॉर दी पोस्ट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है और आपके इंटरव्यू की दिशा को भी निर्धारित करेगा, तो उसको काफ़ी सोच समझ के भरें। काफ़ी साथी पूछ भी रहे हैं कि बायोडाटा में जो पॉइंट होता है योर सुटेबिलिटी फॉर दी पोस्ट उसमें हम क्या भरें। तो देखिए, उसमें आपको भरना क्या होता है, उसमें आपको अपने जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके हैं या प्रोफेशनल स्किल्स आपके जो हैं, टीचिंग में बच्चों के लिए बेहतर आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, कम पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप किस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको उसके अंदर लिखने होते हैं। और इसको ब्रीफ ही रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं रखना। उसके साथ लास्ट में एक मिलता है स्पेशल अचीवमेंट, अगर आपकी कोई है तो उसके अंदर डाल दें, नहीं है तो उसको रहने दें। उसके बाद गैप इन स्टडी का काफ़ी कैंडिडेट के साथ होता है कि स्टडी गैप होता है 2 साल का 3 साल का 4 साल का, तो उसका कोई जस्टिफाइड आंसर आप ढूंढ लें, क्योंकि इंटरव्यू वाला इसके बारे में ज़रूर आपसे बात करेगा कि आपकी स्टडी में इतना गैप क्यों रहा है, इस दौरान आपने क्या किया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन संभावित हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चन का अभी से आप कोई ऐसा आंसर ढूंढ लें जिसको आप आराम से जस्टिफाई कर सकें। अगर आप जो भी आंसर दें और उसके ऊपर इंटरव्यू वाला आपसे काउंटर क्वेश्चन कर ले तो आप सोचें कि इन पे क्या क्या काउंटर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके जवाब भी आप अच्छे से तैयार करके रखें। उसके बाद अगर आपकी नेम स्पेलिंग मिस्टेक है पेरेंट्स के नेम में सर्टिफिकेट में आपके, तो उसका समाधान जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी है इंटरव्यू के दौरान वो आपको बता देगी। मेडिकल सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात है तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट केवल उन्हीं को चाहिएगा जो फिजिकली हैंडीकैप हैं और फिजिकली हैंडीकैप में उन्हें रिजर्वेशन ले रखा है, तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के साथ लेके जाएं। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की जहाँ तक बात है तो KVS के जो आपका इंटरव्यू लेटर आएगा उसके अंदर बोल के रखा है कि वन सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज आपको चाहिए, एक सेट आपको चाहिए जितने भी आपकी क्लास 10 ऑनवर्ड हैं, जैसे क्लास 10 है, क्लास 12 है, आपके BA BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल है, फिर उनकी डिग्री है, आपकी BEd है, आपकी CTET है या आपका जो DELED है, इन सभी के आपके जो डिग्रीज हैं सर्टिफिकेट हैं इनकी एक कॉपी निकाल लें और उसको आप सेल्फ अटेस्ट कर लें। KVS ने इतना ही बोल रखा है। इमरजेंसी पर्पज़ के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रूरी नहीं है, बट आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, इमरजेंसी के लिए क्या कर सकते हैं,
एक सेट और निकाल लें उन्हीं कॉपीज का, और उसको आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा लें, और एक तीसरा सेट अपने पास रखें बिना किसी के साइन किए हुए। यानी मेरे कहने का मतलब, आप तीन सेट निकालें, एक सेल्फ अटेस्टेड जो उन्होंने मांग के रखा है, दूसरा इमरजेंसी पर्पज के लिए आप क्या करके रखेंगे, किसी प्रिंसिपल से टेस्ट करवा लेंगे, स्कूल प्रिंसिपल से, वो अपने पास रख लेंगे सभी सर्टिफिकेट्स को, और तीसरा बगैर किसी से अटेस्ट करवाए हुए जो नॉर्मल फोटोकॉपी है वो अपने पास रख लेंगे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फिलहाल उनके आप फाइल बना लीजिए और एक फाइल के अंदर उनको आप रख लें। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप ऑल इंडिया क्या कहीं पे भी ज्वाइन कर लेंगे, तो एक विलिंग की आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं वो, तो आपको अंडरटेकिंग भी देना पड़ सकता है। उस अंडरटेकिंग का कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, उसमें आपको यही लिखना होता है कि मैं अपनी सहमति देता हूँ कि ऑल इंडिया अगर मुझे कहीं पे भी पोस्टिंग मिलेगी तो बिना किसी एतराज़ के मैं आराम से उसको ज्वाइन कर लूँगा और मैं किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रेज नहीं करूँगा, ऐसे आप उसके अंदर कुछ लिख देंगे। अंडरटेकिंग के फॉर्मेट की हम बात कर चुके हैं, कोई स्पेशल ऐसा फॉर्मेट इसका होता नहीं है। डेमो टॉपिक और लेसन प्लान, डेमो टॉपिक आप वो सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हों कि अगर इसमें से मेरे से कुछ भी पूछा जाएगा तो मैं आंसर दे दूंगा, या फिर इसके बेटर एग्जाम्पल मेरे पास हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स देके बच्चों को मैं ये टॉपिक समझा सकता हूँ, ऐसा कोई डेमो टॉपिक आप अपने सब्जेक्ट का सिलेक्ट कर लीजिए। कई साथी इस बात को लेके भी चिंतित हैं कि क्या हमें लेसन प्लान बना के ले जाना होगा, तो देखिए आप लेसन प्लान बना सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वो लेसन प्लान यूज करने देंगे, क्योंकि पहली बात तो ये निश्चित ही नहीं है कि आपको टॉपिक कैसे मिलेगा, वो अपनी मर्जी से देंगे या आपको सिलेक्ट करने को देंगे, और दूसरी बात अगर आपको सिलेक्ट करने को दे देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लेसन प्लान को आपको यूज करने देंगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कर लीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी मन की शांति के लिए बना के अपनी फाइल में रख सकते हैं, बट चांस कम है कि आपको वहाँ पर यूज करने दें, बाकी अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। आईसीटी मटेरियल की बात करते हैं तो कुछ साथी बोलते हैं क्या हम पीपीटी वगैरह बना के ले जा सकते हैं या कोई टीचिंग मटेरियल ले जा सकते हैं, तो देखिए इंटरव्यू रूम के अंदर आपको आपकी फाइल के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ले जाने नहीं दिया जाएगा, और मान लीजिए आप पीपीटी बना के ले भी जाते हो अपने पेन ड्राइव वगैरह में तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू रूम में आपको वहाँ पे प्रोजेक्टर मिलेगा या कंप्यूटर वगैरह मिलेगा। फिर भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना के रख लीजिए, आपको दिमाग में ये ना रहे कि मुझे मौका मिला था मैं कर नहीं पाया, प्रिपरेशन अपनी पूरी कर लीजिए, लेकिन नॉर्मली आपको आईसीटी यूज मटेरियल यूज नहीं करने देंगे। आप जब डेमो देंगे तो जो वहाँ पे अवेलेबल मटेरियल होगा उसी में से आपको किसी को आईसीटी बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डेमो टॉपिक को ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप अच्छे से एग्जाम्पल दे सकें और जर्नली जो चीज़ यूज होती है उसको आईसीटी मटेरियल में यूज कर पाएं। और सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट है आपका रिटर्न टिकट, आपको बुक करना है, तो अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आप इवनिंग में आराम से रिटर्न टिकट बुक कर सकते हैं, और अगर आपका इवनिंग में है तो देखिए थोड़ा रिस्की होगा उसी दिन रिटर्न टिकट बुक करना, क्योंकि इंटरव्यू कई बार काफ़ी लेट तक चल जाते हैं, तो अगर आप ट्रेन का करते हो तो थोड़ा लेट नाइट अगर कोई ट्रेन हो तो उसे बुक कर लीजिए, फ्लाइट का करना चाहते हो तो ज़्यादा रिस्की रहेगा क्योंकि आपको एयरपोर्ट पर भी एक डेढ़ घंटा पहले जाना पड़ता है, तो आपको अगले दिन की ही टिकट करनी पड़ेगी। फिर भी आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए कि रिटर्न टिकट का कैसे करेंगे, मॉर्निंग वाला तो इवनिंग को आ सकता है बट इवनिंग वाले के लिए समस्या हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपना होटल का रहने का जो अरेंजमेंट है वो भी आप कर लीजिए। ये कुछ मेन बातें हैं, इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात मेरे सामने आएगी तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको पुनः शुभकामनाएं।